हाय, मैं हूँ सामिया खान। वेलकम टू खाना खजाना चैनल। आज हम बनाएंगे कटहल की पकौड़ी। ये बहुत ही न्यू रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इससे पहले पकौड़ी कहीं नहीं खाई होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मैंने कुछ सामान लिया है। जैसे मैंने कटहल लिया है 250 ग्राम करीब, और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, काट लिया है। तो इस तरीके से काटना है पीसेस में। और मैंने ये 1.5 कप चावल लिए हैं, जो मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखे थे। मैंने 1 टीस्पून करीब रेड चिल्ली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं सॉल्ट। और मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। चलिए सबसे पहले हम कटहल को उबालेंगे। देखिए, मैंने भगोना ले लिया है और उसमें मैंने पानी भर लिया है कटहल उबालने के लिए। अब मैंने गैस जला दी है, फ्लेम हाई है। पहले पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें कटहल ऐड करेंगे। चलिए, पानी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और हम इसे कटहल ऐड करेंगे। और हमें अच्छी तरीके से कटहल गलाना है ताकि कच्चा ना रह जाए। करीबन 10 मिनट तक हम इसे ढक के अच्छे तरीके से गलाएंगे। सारे ऐड कर दे रही हूँ और हम इसे ढक देंगे। और इसमें हम हाफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ हम उसमें मैरिनेशन के टाइम ऐड करेंगे। और चला देंगे इस तरीके से, ये खुद मिक्स हो जाएगा। ढक देंगे इसे हम 10 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। देखिए, जितने हमारा कटहल उबल रहा है, इतने हम इसमें ये जो चावल है इन्हें पीस लेंगे। तो हम इसे जार में ऐड कर देंगे। अब देखिए, मैंने चावलों को इसमें डाल लिया है जार में। अब मैं ये जो ज़ीरा था, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ ज़ीरा का पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे तरीके से, बारीक करके। देखिए, हमने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है। मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया था इसमें, आप भी थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए, हम चेक करेंगे इसे, आप देख सकते हैं इसे गल चुका है। हमें इस स्टेज तक इसे गलाना है। इसका कलर जो है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। और इसे चेक भी कर लेंगे, ये गल चुका है। अब हम इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इसका अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें जो सॉल्ट था बाकी के बचा हुआ, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसमें हम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो सॉल्ट है और रेड चिली पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन हम चाट मसाला पकौड़ी बनाने के बाद ऐड करेंगे। अब देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये आप देखिए, मैंने सारे कटहल के पीस ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए, अब मैंने फ्राई पैन ले लिया है और मैंने गैस जला दी है, फ्लेम हाई रखा है ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। क्योंकि हम पकौड़ी बनानी है तो ऑयल ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब इसे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे पहले। अब देखिए, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हम इसके जो पीस हैं मैरिनेशन वाले, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये पीस भी ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने इसमें पीस ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हम कम से कम 5 मिनट हाई फ्लेम पे एक साइड से तलेंगे, फिर उसे पलट देंगे। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से पलट देंगे सारों को। देखिए, ये एक तरफ से अच्छी तरीके से हो चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, पलट देंगे ताकि कच्चापन ना रहे इसमें। इस तरीके से सारे पीसेस को हमें पलट देना है अच्छे तरीके से। और फिर 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही हम इधर को वाले को पकाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी ये। देखिए, मैंने 5 मिनट तक इन्हें एक तरफ से, इस दोनों तरफ से वो कर लिया है, तल लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे।
देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। कटहल की पकौड़ी देखिए मैंने सॉस के साथ सर्व की है, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इस रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।